लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो कैसे वो काम करते हैं, इस तरह की हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी ना। तो उसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अगर आप में से किसी का सवाल है उसके ऊपर तो अभी पूछ लें। नो सर, ओके तो लास्ट टाइम हमने ये डिफाइन किया था कि कोई भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होगा तो उसको क्या कुछ करना होगा या उसमें क्या कुछ डिफाइन किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो होगी कि उसमें किस तरह के मैसेजेस आपने एक्सचेंज करने एप्लीकेशन लेयर से अमंग द यूज़र्स, वो किस तरह के होंगे। वो तो हमने देखा था कि दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास रिक्वेस्ट का मैसेज हो सकता है, एक रिस्पॉन्स का हो सकता है। देन फिर सिंटैक्स चेक करता है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल कि वो सिंटैक्स ये बताता है कि जो मैसेज आपने भेजा है उसके अंदर क्या कुछ फील्ड्स हैं और हर फील्ड किस तरह काम करती है। फिर सिमेंटिक्स चेक होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको ये बताता है कि प्रोसेस कैसे सेंड और रिस्पॉन्स करेंगे किसी भी मैसेज को। अच्छा, फिर हमने ये बात की थी कि अगर एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल की कुछ बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे जो मशहूर प्रोटोकॉल है वो आपके पास HTTP का प्रोटोकॉल होता है। HTTP का प्रोटोकॉल यूजली यूज़ किया जाता है आपके पास वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक वेब पेज का इंट्रोडक्शन देखा था और वेब पेज में क्या कुछ होता है वो बात किया था। तो अब बात करते हैं हम लोग ज़रा HTTP के प्रोटोकॉल को स्टार्ट करते हैं कि वो क्या होता है। तो HTTP का प्रोटोकॉल जो है, इससे पहले हमने देखा है कि दो तरह के नेटवर्क में सर्विसेज के आर्किटेक्चर रहते हैं। एक आपके पास क्लाइंट सर्विस सॉरी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की सर्विसेज हो सकती हैं या फिर आपके पास पीयर टू पीयर सर्विसेज हो सकती हैं। तो जो ये HTTP का प्रोटोकॉल है ये आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि एक आपके पास सर्वर होता है जिसके पास कोई सर्विसेज चल रही होती हैं या वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। देन एक आपके पास क्लाइंट होता है, क्लाइंट ने अगर कोई सर्विस एक्सेस करनी है तो उसके लिए अगर HTTP की कोई सर्विस एक्सेस करनी है तो उसके लिए वो अपना क्लाइंट एजेंट या जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउज़र, वो ओपन करता है। देन जैसे ही वो ब्राउज़र ओपन करता है उसके बाद फिर वो जो भी कुछ लिखता है एक्सेस करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। कैसे रिक्वेस्ट करता है कि आपके पास जो भी क्लाइंट होगा वो आपके पास रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये जो इमेज है या ये जो HTTP का लिंक है ये ओपन करना है। तो उसकी वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, सर्वर उसके अगेंस्ट कुछ HTTP का रिस्पॉन्स भेजता है। अच्छा, इसी तरह कोई मोबाइल यूज़र होगा तो उसने भी इसी तरह उसको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसी तरह चलता है। तो सर्वर ने क्या करना होता है, सर्वर ने ये करना होता है कि जो भी HTTP की रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से उसको देख के उसको प्रोसेस करना होता है और उसके अगेंस्ट कोई उसको रिस्पॉन्स भेजना होता है। फिर हमने ये बात की थी कि जो कनेक्शन बनेगा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर वो आपके पास TCP का बनेगा। TCP का क्यों बनेगा, क्योंकि हमें रिलायबल सर्विस चाहिए, जो भी हम डाटा सेंड करें वो लाजमी रिसीव हो। तो इस वजह से हमारे पास TCP का कनेक्शन बनता है और TCP का जो कनेक्शन बनेगा सर्वर के ऊपर वो पोर्ट 80 के ऊपर बनता है। तो यूजली आप लोगों ने कोई भी HTTP की सर्विस यूज़ करनी होती है तो उसके लिए जो आप पोर्ट यूज़ करते हैं वो 80 यूज़ की जाती है। अच्छा, जो सर्वर होगा वो फिर आपके पास एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट कनेक्शन आफ्टर क्रिएटिंग द कनेक्शन विद द क्लाइंट, तो वो एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके अगेंस्ट वो HTTP के प्रोटोकॉल्स के जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मैसेजेस हैं वो शेयर होंगे। और फिर जैसे ही ये सारा सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर HTTP सॉरी TCP का जो कनेक्शन बना था इनिशियल तौर पर क्लाइंट सर्वर के दरमियान में वो बंद कर दिया जाएगा। फिर हमने ये भी बात की थी लास्ट लेक्चर में कि HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये हमने कैसे बात की थी कि कैसे स्टेटलेस है, कोई बता सकता है कि स्टेटलेस क्यों है HTTP? सर वो क्योंकि सर इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं रखते सर अपने पास वो भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि वो अपने पास कोई भी यूज़र की जो रिक्वेस्ट आ रही होती है या क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उनका रिकॉर्ड अपने पास नहीं मेंटेन करता। अगर वो सिर्फ यही रिकॉर्ड मेंटेन करने लग जाए तो उसके जो कैशे या जो उसकी बफर होती है, मेमोरी जो होती है वो उसकी फुल हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग HTTP को जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं HTTP के अलावा जो जिनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत हाई है मगर वो स्टेट मेंटेन करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे भी। अच्छा, HTTP के अगर कनेक्शंस की बात करें
तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने ये डिस्कशन की थी HTTP के ऊपर थोड़ी सी. अच्छा, HTTP क्या है? HTTP जो है वो आपके पास एक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है. वो इस वजह से यूज़ किया जाता है कि आपने कोई भी वेब ब्राउजिंग करनी हो, कोई वेब पेज एक्सेस करना हो, तो उसकी एक्सेस करने के लिए आपको HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है. इसके अलावा भी और एप्लीकेशन होती हैं, जैसे आपने कोई रियल टाइम वीडियो देखनी है या रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये HTTP को यूटिलाइज़ नहीं करते, ये किसी और चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं. तो हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा. और एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि जो भी नेटवर्क में क्लाइंट ने सर्विसेज यूज़ करनी है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे. तो HTTP किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है? HTTP आपके पास वेब पेजेस को एक्सेस करने की सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अच्छा, HTTP का जो कनेक्शन बनता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, कोई सवाल है तो अभी पूछ लें. ओके, HTTP का जो कनेक्शन बनेगा जिसपे बेसिकली कनेक्शन बनने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स सेंड करेगा, जैसे कोई भी वेब पेज है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की थी, कोई फाइल हो सकती है, कोई HTML टेक्स्ट हो सकता है, कोई आपके पास जावा एप्लीकेट्स हो सकता है, कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो दो तरह के कनेक्शन बन सकते हैं आपके पास HTTP के अंदर. पहला कहलाता है नॉन परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन, और दूसरा कहलाता है परसिस्टेंट HTTP. इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि नॉन परसिस्टेंट के अंदर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट सेंड करना है तो उसके लिए एक कनेक्शन बनेगा. या ऐसे बात करें कि TCP का जो कनेक्शन बनता है वो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स गेट करने हैं एक वेब पेज से ऊपर तो आपको मल्टीपल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे. और इसमें वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से होता है कि पहले TCP का कनेक्शन बनेगा HTTP के लिए, देन उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्वर उसको क्लाइंट पे भेजेगा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, देन उसको क्लोज कर देगा कनेक्शन को. और फिर अगर उसके ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे उस वेब पेज के ऊपर, तो फिर वो दोबारा कनेक्शन बनाएगा, फिर दोबारा उसको ऑब्जेक्ट को भेजेगा, फिर क्लोज कर देगा, और इस तरह चलता जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक वेब पेज पे से डाउनलोड करने हैं क्लाइंट ने, तो इसका मतलब है कि वो मल्टीपल कनेक्शंस बनाएगा. तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. क्यों टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा? सर, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शंस, बार बार कनेक्शंस बनेंगे सर और क्लोज्ड होंगे फिर. बिल्कुल ऐसी है. तो इस वजह से आपके पास डाटा जो है यहाँ पे काफ़ी, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी देर बाद आपका, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो काफ़ी देर बाद आपको मिलेंगे. अच्छा, इसके बजाय जो परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन होते हैं उसमें ये होता है कि आप एक ही दफ़ा कनेक्शन बनाते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप सेंड कर देते हैं. तो इससे ये होता है कि आपका जो वो बार बार कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा था फिर बन रहा था, तो वो अब आप एक ही दफ़ा बनाते हैं, और जब तक एक वेब पेज पे से सारे ऑब्जेक्ट्स गेट नहीं हो जाते तब तक वो कनेक्शन क्लोज नहीं किया जाता. तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग सेंड कर सकते हैं ओवर सिंगल TCP कनेक्शन परसिस्टेंट HTTP के अंदर. ठीक है, नॉन परसिस्टेंट की तरह एग्जांपल देखते हैं. ये नहीं नज़र आ रही है आप लोगों को ना स्लाइड पूरी? ओके अच्छा, ऐसा है कि ये एक URL है, इसके अंदर 10 JPEG के इमेजेस हैं. तो इमेजेस बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी वेब पेज के ऊपर. तो अगर तो ये नॉन परसिस्टेंट HTTP को यूटिलाइज कर रहा हुआ तो क्या होगा? तो देखते हैं कुछ इस तरह से आपके पास चलेगा कि पहले कनेक्शन बनेगा, इनिशिएट होगा, क्योंकि क्लाइंट ने एक्सेस करना है. तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैंने कनेक्शन बनाना है उस सर्वर के पास से. सर्वर उसका कनेक्शन को सपोज एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम पोर्ट 80, तो वो क्लाइंट को नोटिफाई करेगा कि यस, मैंने आपका जो कनेक्शन था वो एक्सेप्ट कर लिया है. उसके बाद क्लाइंट जो होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है होम डॉट इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो चाहिए. तो HTTP उसके रिस्पॉन्स के अंदर उसको वो ऑब्जेक्ट भेज देगा, और चूंकि नॉन परसिस्टेंट है तो वो फौरन ही एक ऑब्जेक्ट भेजने के बाद वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा. और क्लाइंट जो ही रिसीव करेगा तो उसको पता चलेगा कि इधर तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो दोबारा फिर उनको रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन ओपन करने की, फिर दोबारा उसको 10 दफ़ा ये काम करना पड़ेगा. अगर इसकी बात करें थोड़ी सी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे एक हमारे पास परफॉर्मेंस का कह लें, नेटवर्क परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम. राउंड ट्रिप टाइम ये होता है कि क्लाइंट से सर्वर तक पैकेट गया
और वापस आया उसको कितना टाइम लगा। सपोज ये पैकेट गया क्लाइंट से सर्वर पे और फिर वापस आया, तो ये जो टाइम लगा है इसको जाके वापस आने में, ये आपके पास राउंड ट्रिप टाइम या जिसको हम लोग RTT कहते हैं वो कहलाता है। ठीक है। अच्छा, हमारी क्या कोशिश होगी कि ये जो RTT है ये कम से कम हो। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा इसके मैथमेटिक्स के हवाले से अगर बात करें तो नॉन परसिस्टेंट HTTP का रिस्पांस टाइम क्या होगा, तो देख लेते हैं। इनिशियल तौर पे इनिशिएट किया जाएगा कनेक्शन, TCP का कनेक्शन HTTP के प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ और फिर उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन ओपन करने की। तो आपके पास ये रिक्वेस्ट गई और वापस आई, तो इसका मतलब 1 RTT यहाँ पे लगा। देन उसके बाद उसको वो फाइल ट्रांसमिट करता है, सपोज़ वो अपलोड कर रहा था कोई एक ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद वो ट्रांसमिट हो गई फाइल और वो फाइल रिसीव हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 RTT का टाइम लगा है और प्लस जितना टाइम फाइल ट्रांसमिशन के लगा वो आपके पास वो डिले अलग से है। तो इसका मतलब है अगर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन है तो उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट गेट करना है तो उसमें आपको जो टाइम लगेगा वो 2 times RTT प्लस जितना आपको फाइल ट्रांसमिशन टाइम, मतलब फाइल को अपलोड करने के लिए कितना टाइम लगा, डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो आपके पास वो अलग से होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तब ये, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, जो 2 RTT है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर परसिस्टेंट HTTP होगा। परसिस्टेंट HTTP में जो है वो सिर्फ 1 RTT लगेगा क्योंकि उसमें बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही टाइम के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो जो टाइम है बिटवीन परसिस्टेंट HTTP और नॉन परसिस्टेंट, तो उसमें जो परसिस्टेंट HTTP है उसमें ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉन परसिस्टेंट के। ठीक है। अच्छा, HTTP का अगर रिक्वेस्ट की बात करें, क्योंकि रिक्वेस्ट आपके पास क्लाइंट्स ने करनी है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। HTTP के अगर मैसेजेस की बात करें तो HTTP के दो तरह के मैसेज होंगे, एक आपके पास रिक्वेस्ट मैसेज होता है और एक आपके पास रेस्पॉन्स का मैसेज होता है। अच्छा, दो तरह के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं HTTP के अंदर, एक होता है रिक्वेस्ट मैसेज और एक होता है आपके पास रेस्पॉन्स मैसेज। तो हम लोग पहले देखते हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से जाता है रिक्वेस्ट मैसेज, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर कमांड होती है, तीन तरह की कमांड होती हैं HTTP के मैसेज के अंदर, कोई सा भी हो, गेट, पोस्ट और हेड, ये तीन तरह की कमांड होंगी। कि क्या होती हैं ये देखते हैं अभी हम। तो इसमें क्या होगा, HTTP का जो रिक्वेस्ट मैसेज होगा उसके अंदर गेट की कमांड होगी कि मुझे ये वाला URL गेट करना है। अच्छा, देन यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि ये गेट HTTP 1.1 जो है वो HTTP का वर्जन कौन सा यूटिलाइज कर रहा है आपका ब्राउज़र वो कहलाता है। देन क्या गेट करना है, उसका होस्ट नेम होगा, उस URL का होस्ट नेम। देन यूज़र एजेंट, मतलब यूज़र एजेंट मैंने आपको बताया कि कौन सा आपके पास वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है यूज़र, तो आपके पास यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ होता है। देन बाकी चीज़ें जैसे एक्सेप्ट करना है आपने कनेक्शन को, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, इनकोडिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, करेक्टर सेट कौन सा यूटिलाइज करना है, देन इस कनेक्शन को कितनी देर तक के लाइव रखना है और उसका कनेक्शन की स्टेट क्या है कि कीप अलाइव। तो ये आपके पास HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज होता है जो कि सेंड होता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, या सर्वर भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, मगर यूजली हम लोग क्लाइंट टू सर्वर का फॉर्मेट बात करते हैं। अगर HTTP के रिक्वेस्ट के मैसेज को अगर जनरलाइज करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि रिक्वेस्ट के मैसेज में पहले आपके पास मेथड कौन सा है, अदर गेट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है, हेड का मेथड है, ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। मगर जब भी रिक्वेस्ट का मैसेज जाएगा तो आपके पास गेट का मेथड से जाता है, ठीक है। बाकी उसका फिर URL कौन सा एक्सेस करना है, उसका वर्जन कौन सा है, HTTP का प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा है, देन हेडर फील्ड का नेम, उसकी वैल्यू और बाकी सारी हेडर की लाइंस होंगी, और फिर आपके पास नीचे जो होगा वो उस मैसेज की बॉडी होगी। अच्छा, कल जो हम लोग लैब करेंगे उसके अंदर ये चीज़ हम लोग कैप्चर करके देखेंगे HTTP का एक पैकेट, देन उसमें एनालाइज भी करेंगे इस चीज़ को लैब के अंदर, ठीक है। अच्छा, मेथड्स की अगर बात करें तो हमारे पास HTTP के दो तरह के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, एक 1.0 और एक 1.1। तो जो 1.0 था उसके अंदर ये तीन मेथड्स थे, गेट,
पोस्ट और हेड, ये तीन डिफरेंट मेथड थे, और जो 1.0 था वो यूजली नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन को यूज़ करता था। अच्छा, और जो 1.1 है वो परसिस्टेंट कनेक्शंस को यूज़ करता है। इसके अंदर हमारे पास दो नए मेथड्स भी आ गए, गेट पोस्ट और हेड के अलावा पुट का मेथड भी आ गया और डिलीट का मेथड भी आ गया। जो पुट का मेथड है वो आपके पास अपलोड करने के लिए यूज़ होता है, आपके पास कोई भी फाइल को किसी यूआरएल के ऊपर आप अपलोड करना चाहें तो उसके लिए पुट का मेथड यूज़ होता है। डिलीट करनी हो कोई फाइल आपने यूआरएल के ऊपर जो स्पेसिफाई किया हुआ है तो इसके लिए डिलीट का मेथड यूज़ होता है। तो ये दो नए मेथड्स हैं HTTP 1.1 के अंदर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ज़रा, रिक्वेस्ट का मैसेज हमने देख लिया, कोई सवाल है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। पोस्ट और पुट में क्या फर्क है? किसमें? पोस्ट मेथड और पुट मेथड। अच्छा, पोस्ट और पुट मेथड। पुट मेथड जो है वो आपके पास, ये पहली बात तो ये कि जो पुट वाला मेथड है ये 1.1 वर्जन के अंदर है जो कि परसिस्टेंट कनेक्शन को यूटिलाइज करता है, और जो पुट का मेथड है वो बेसिकली करता ये है कि आपके पास फाइल को अपलोड करता है किसी भी एक यूआरएल जो आपने स्पेसिफाई किया है उसके ऊपर। ठीक है, पहला डिफरेंस है ये। दूसरा ये है कि जो पोस्ट का मेथड होता है वो दोनों के अंदर यूज़ किया जाता है, नो डाउट HTTP 1.1 और 1.0 दोनों में यूज़ करते हैं, मगर जो पोस्ट का मेथड होता है वो करता ये है कि आपके पास ये बेसिकली सपोर्ट करता है रिक्वेस्ट करने के लिए, जबकि पुट का मेथड जो फाइल अपलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पोस्ट का मेथड है वो रिक्वेस्ट का मैसेज की तरह का होता है। और ये जो होता है ये आपके पास बताता है, ये बेसिकली रिक्वेस्ट मेथड होता है जो कि सर्वर को ये बताता है कि ये वाला जो डेटा मैंने इस मैसेज के अंदर इंक्लोज किया है उसको आप एक्सेप्ट करके अपने पास सर्वर के ऊपर स्टोर कर लें। तो पोस्ट का मेथड सिर्फ ये काम करता है कि आपके पास एक तरह की रिक्वेस्ट होती है कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि आपने ये जो अब इस बॉडी के अंदर जो मैसेज आ रहा है उसको अपने पास सर्वर के ऊपर स्टोर कर लेना है, जबकि पुट का जो पुट का मेथड है वो पूरी एक फाइल को अपलोड करता है, जबकि पोस्ट का मेथड जो है वो सिर्फ जो उस मैसेज की जो बॉडी होती है या जो डाटा होता है उसके अंदर उसको सिर्फ सेव करता है आपके सर्वर के ऊपर। हाँ जी, सही है सर। अब हम लोग बात करते हैं HTTP के रिस्पांस मैसेज की। तो रिक्वेस्ट तो आपके पास क्लाइंट से चली जाती है, रिस्पांस किस तरह आएगा? तो पहले चीज़ जो होगी आप यूजली देखेंगे कुछ इस तरह से आपके पास मैसेज होगा जिसमें HTTP का वर्जन होगा, देन एक रिस्पांस का कोड होता है। अच्छा, कोड के साथ उसका यूजली मैसेज भी आ जाता है कि ये कोड जो है 200 और ओके है। ये भी कोड्स की हम लोग बात करते हैं, रिस्पांस कोड्स की ना, वो हर कोड की कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास हेडर लाइंस होती हैं जिनमें यूजली डेट होती है कि किस डेट के ऊपर ये फाइल ट्रांसफ़र हुई, या जो रिस्पांस मैसेज किस टाइम पर ट्रांसफ़र हुआ, देन सर्वर के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, सर्वर अपाची सर्वर है और वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, सेंटोस से यूज़ कर रहा है, देन ये जो URL था ये लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ, देन उसमें एक्सेप्ट रेंजेस होती हैं कि वो कितनी बाइट की लेंथ जो होती है वो एक्सेप्ट कर सकता है सर्वर, देन कितनी देर तक इसका कनेक्शन अलाइव रखना है, तो ये सारा कुछ होता है, नीचे डाटा होता है रिस्पॉन्स के मैसेज के अंदर। अच्छा, कोड्स की अगर बात करें तो हमारे पास यूजली बहुत से कोड्स होते हैं, मगर जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उनमें HTTP कोड्स रिस्पॉन्स कोड वो होता है 200 ओके का मतलब होता है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी क्लाइंट ने वो सक्सेसफुली वहाँ पर रिसीव होके उसका रिस्पॉन्स आ गया और वो सक्सीड कर गई है, सक्सेसफुल हो गया आपकी रिक्वेस्ट, ओके का मतलब का ये होता है 200 ओके का। 301 का मतलब होता है कि आपका ने जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया था वो परमानेंटली तौर पर किसी नई लोकेशन के ऊपर मूव हो चुका है, तो वो आपको जो ऑब्जेक्ट है किसी URL का वो आपको रिसीव नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्ट जो होता है URL के अगेंस्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने गेट करना है वेब पेज के अगेंस्ट, सिर्फ वो मूव हो गया कहीं किसी और लोकेशन के ऊपर परमानेंटली तौर पर, और यूजली वो लोकेशन स्पेसिफाई भी कर दी जाती है। अच्छा,
फिर आता है 400 बैड रिक्वेस्ट. इसका मतलब ये है कि ये जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी, रिक्वेस्ट मैसेज जो भेजा था, वो सर्वर ने अंडरस्टैंड नहीं किया. देन उसके अलावा 404 नॉट फाउंड का मतलब होता है कि वो जो आपने डॉक्यूमेंट या जो आपने कंटेंट रिक्वेस्ट किया था वो सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, सर्वर के ऊपर फाउंड नहीं हुआ, तो इस वजह से वो आपके पास आता है. देन एक और होता है 505, उसका मतलब होता है कि जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, या ओल्डर वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली तौर पर जनरेट होते हैं अगेंस्ट आ रिक्वेस्ट मैसेज. अच्छा, देन हमारे पास यूज़र सर्वर स्टेट कुकीज़ होती हैं. अच्छा, कुकीज़ का काम क्या होता है? कुकीज़ का काम अभी हम लोग देख भी लेंगे आगे. यूजली कुकीज़ जो होती हैं वो हेडर लाइन के अंदर कुकी हेडर होता है. ये आपके पास एक्सेस करने के लिए, कोई भी वेबसाइट आपने एक्सेस करनी है तो उसकी कुकीज़ लोकल मशीन के ऊपर स्टोर कर दी जाती हैं, उसकी कैशे करके फाइल स्टोर कर दी जाती हैं ताकि यूज़र नेक्स्ट टाइम जो है वो जल्दी एक्सेस कर सके उस HTTP लिंक को. तो यूज़र जो जो HTTP के अंदर ये स्टेट मेंटेन्स की जाती हैं, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है एट द सर्वर एंड, मगर क्लाइंट के ऊपर सारी स्टेट मेंटेन की जाती हैं कुकीज़ की फॉर्म के अंदर. अच्छा, तो कुकी के जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं कुकी के अंदर. पहली चीज़ होती है कुकी का हेडर. हेडर लाइन ये बताती है कि ये जो रिस्पांस मैसेज है ये HTTP का कौन सा रिस्पांस मैसेज था. देन आपके पास उसका कुकी हेडर लाइन का सेकंड जो पार्ट होता है वो आपके पास ये बताता है कि ये कौन सा रिक्वेस्ट मैसेज था. देन कुकी की फाइल होती है जो उसने मैनेज की होती है यूज़र ब्राउज़र के ऊपर, वो स्टोर होती है, और एक बैकएंड डेटाबेस होता है जो वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास स्टोर होता है. तो चार तरह के कंपोनेंट होते हैं कुकी के अंदर. कुकी जो होती है वो यूजली लोकल मशीन या जो एंड यूज़र होता है उसके ऊपर स्टोर की जाती है, कैशिंग की जाती है. अच्छा, कुकी फाइल की अगर बात करें, कुकी का फ़ायदा ये होता है कि यूज़र को जो एक्सेस चाहिए वो फास्टर मिल सके. अच्छा, एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्लाइंट सपोज क्लाइंट के पास सपोज ये कोई सर्वर है, उससे पहले वो आपके पास एक्सेस कर चुका है तो उसकी लोकल मशीन के ऊपर कुकी फाइल स्टोर होगी. तो अब वो भेजेगा रिक्वेस्ट का मैसेज. इस केस के अंदर क्या होगा कि जो सर्वर होगा वो उस कुकी से उसको वेरीफाई कर लेगा, उसकी यूज़र ID को, और देन बैक एंड पे जो उसकी डेटाबेस होगा उसमें उसकी एंट्री को क्रिएट कर देगा. ये यूजली होता है, और उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स भेज देगा जो उसने कुकी के अगेंस्ट डेटा मांगा था. अच्छा, देन उसके बाद फिर दोबारा रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा और आपके पास उसको एक्सेस मिल जाएगा. ये तो पहली दफ़ा होगा अगर उसके पास कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं थी, यूज़र की कोई यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह इस तरह का स्टोर नहीं था. तो उस केस में तो आपके पास पहले होगा ये कि उसकी रिक्वेस्ट ID जाएगी, यूज़र की ID जाएगी, वो स्टोर करेगा अपने पास और फिर कुकी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ये होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम यूज़र कुछ एक्सेस करता है तो उसके पास यूज़र ID भी मौजूद होगी, और कुकी पूरा एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगी तो डायरेक्टली उसको दोबारा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको वेरीफाई करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्वर, क्योंकि उसके पास वो कुकी से उसको एक्सेस कर लेगा. तो जो एक्सेसिंग टाइम है वो यूज़र का काफ़ी रिड्यूस हो जाता है अगर हम लोग कुकीज़ को यूटिलाइज़ करें. तो कुकीज़ यूजली यूज़ की जाती हैं आपके पास ऑथोराइजेशन के लिए, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर यूज़ की जाती हैं, रिकमेंडेशंस यूज़र रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूजली यूज़ की जाती हैं, और यूज़र की जो सेशन की स्टेट्स होती हैं वो मेंटेन की जाती हैं यूज़र एंड के ऊपर. दूसरा ये कि नो डाउट कुकीज़ आपके पास बहुत से काम करती हैं, मगर ये हमारे पास प्राइवेसी का काफ़ी कंसर्न होती हैं, क्योंकि ये आपके पास लोकल मशीन के ऊपर स्टे हो रही होती है, लोकल मशीन के ऊपर इतनी कोई प्राइवेसी या इतने कोई अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं होते या ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं होती सिक्योरिटी की अगर एस्पेक्ट से देखा जाए. तो कुकीज़ नो डाउट हमारे पास काफ़ी अच्छा काम भी करती हैं, मगर प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न होती हैं, क्योंकि कोई भी हैकर आके
लोकल मशीन को अगर हैक कर लेता है वो काफ़ी कुछ चीज़ें कुकीज़ के अंदर मॉडिफाई कर सकता है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी के लेक्चर्स के अंदर कि कुकीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का भी कहते हैं या हमारे पास वेब कैशिंग का भी कहते हैं। कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट के पास ऑलमोस्ट 6 बिलियन यूज़र्स हैं जो कि रोज़ाना इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इंटरनेट का एक सर्वर होगा, अगर हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स या काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे। और अगर हम लोग बात करें काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हैं जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उनको जाती हैं इन अ 1 सेकेंड। तो क्या होता है कि आपके पास जो ओरिजिन सर्वर होता है या जो ओरिजिनल सर्वर होता है जिसने बेसिकली सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अगर वही सारे यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो उस केस के अंदर जो ओरिजिन सर्वर होता है वो डाउन होने का खतरा भी होता है, क्योंकि उसके पास ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीपल ओरिजिन सर्वर्स बना लें, मगर उसमें भी ये हो सकता है कि आप कितने एक सर्वर्स बनाएंगे जो ओरिजिन के कंटेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बजाय हम लोग ये करते हैं कि एक कैशे सर्वर या जिसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं वो बना लिया जाता है, ताकि एक तो जो रिक्वेस्ट एक्सेस या रिक्वेस्ट करने का जो टाइम यूज़र को लग रहा है या एक्सेस करने का जो टाइम लग रहा है वो भी रिड्यूस हो आपके पास, और दूसरा ये कि जो ओरिजिन सर्वर है उसके ऊपर से लोड भी रिड्यूस किया जा सके। कैसे कि अगर सपोज़ गूगल का सर्वर नॉर्वे के अंदर मौजूद है तो अगर कोई पाकिस्तान से रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर के ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रिक्वेस्ट को जाने के लिए, देन उसका रिस्पांस आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ज़्यादा उसके ऊपर नेटवर्क का लोड या कितनी ट्रैफिक मौजूद है उस गूगल के सर्वर के ऊपर। तो इस टाइम को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही कोई गूगल का प्रॉक्सी सर्वर या कोई कैशे सर्वर बना दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि लोकली तौर पे उसकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो सकेगी। अच्छा, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है वेब कैशिंग का कि जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए विदाउट इन्वॉल्विंग द ओरिजिन सर्वर, और दूसरा ये कि ओरिजिन सर्वर के ऊपर से लोड रिड्यूस किया जाए ताकि वो बाकी और कुछ प्रोसेसिंग कर सके। तो कैसे होगा, अगर तो प्रॉक्सी सर्वर के पास इनिशियल तौर पे किसी क्लाइंट का या सपोज उस वेब पेज का एक्सेस मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, क्लाइंट प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, प्रॉक्सी सर्वर देखेगा कि भाई ये कंटेंट मेरे पास मौजूद नहीं है, तो फिर वो ओरिजिन सर्वर के पास उसको रिडायरेक्ट कर देगा, और जो ही ओरिजिन सर्वर से रिप्लाई आएगा तो अपने पास भी एक कॉपी सेव कर लेगा उस कंटेंट की, और फिर वही कॉपी जो है क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो अब ओरिजिन सर्वर पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंटेंट प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर ही मौजूद है, तो प्रॉक्सी सर्वर उसको ऑटोमेटिकली तौर पर रिप्लाई कर देगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ओरिजिन सर्वर के ऊपर से लोड काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और जो एक्सेसिंग टाइम है वेब को एक्सेस करने का या वेब पेज को एक्सेस करने का यूज़र के लिए वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो यूज़र को जो है प्रॉक्सी सर्वर की वजह से एक तो वेब पेज जो है वो काफ़ी जल्दी मिल भी जाएगा, दूसरा ये कि ओरिजिन सर्वर के ऊपर से लोड भी रिड्यूस हो गया है। अगर ये ना होती तो आपके पास वेब कैशिंग ना की जाती है, प्रॉक्सी सर्वर नहीं बनाए जाते तो आपके पास जो ओरिजिन सर्वर है वो जल्दी डॉस अटैक लग के उनके ऊपर आसानी से वो डाउन भी हो सकते थे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से भी हम लोग वेब कैशिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करें तो जो वेब कैशिंग होती है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजली इंस्टॉल करते हैं, यूजली किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो अपने लोकल एरिया के अंदर या उस कंपनी के पास ही कोई अपना एक प्रॉक्सी सर्वर बनाते हैं ताकि उनको जल्दी एक्सेस मिल सके। अच्छा, वेब कैशिंग का फ़ायदा क्या है, वेब कैशिंग का पहला फ़ायदा तो ये है कि उसने जो रिस्पॉन्स टाइम है क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। रिस्पॉन्स टाइम ये कि रिक्वेस्ट जाती ओरिजिन सर्वर पर फिर वापस आती उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता,
वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि लोकल लोकली तौर पे प्रोसेस हो जाएगी जो भी रिक्वेस्ट होगी वेब कैशिंग के थ्रू। दूसरा ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सर्वर था उसके ऊपर से जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैशिंग की जाए तो नो डाउट आपके पास जो कंटेंट है वो जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, कैशिंग की एक एग्जांपल की बात करें, कितनी हम लोग बना सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 किलो बाइट्स का है। हम अज्यूम करते हैं एक एवरेज ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है किसी वेब पेज के ऊपर वो 100 किलो बाइट्स है, सॉरी 100 किलो बिट्स है। और एवरेज रिक्वेस्ट रेट जो आपके पास आता है ब्राउज़र से ओरिजिन सर्वर के ऊपर वो अराउंड 15 रिक्वेस्ट है पर सेकंड। ठीक है, तो जो डेटा रेट है ब्राउज़र का, एवरेज डेटा रेट टू द ब्राउज़र वो 1.5 Mbps है। RTT जो लगता है वो अराउंड 2 सेकंड रखता है रिक्वेस्ट को जाने में और वापस आने में। जो एक्सेस लिंक रेट है वो अराउंड 1.54 Mbps है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के डेटा रेट आपको दिए हुए, एक डेटा रेट है जो कि आपके पास ब्राउज़र का है, दूसरा आपके पास एक्सेस लिंक का रेट है। एक्सेस लिंक का अगर बात करें तो वो आपके पास जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम का रेट है वो हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये वाला, ये एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, इधर मेरे पास जो लिंक लगा हुआ है 1.54 Mbps का है। अच्छा, तो अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो 1.54 को आप डिवाइड कर दें, जो लैन की यूटिलाइजेशन हो रही है वो अराउंड 15% हो रही है। ठीक है, क्यों और दूसरा ये कि जो आपका जो एक्सेस लिंक है वो अराउंड 99% जो है वो बिजी है। क्यों? 1.5 Mbps डिवाइड बाई 1.54, तो ये आपके पास बहुत बड़ा मसला है कि आपका जो लिंक है वो 100% ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइज हो रहा है। डिले की अगर बात करें तो कितना टाइम लग रहा है, तो 2 सेकेंड तो आपके पास RTT है, फिर आपके पास जो एक्सेस करने का डिले है वो यहाँ से पता चल सकता है एक्सेस लिंक, और आपके पास जो इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट का साइज है उससे आप निकाल लेंगे, और देन आपके पास जो लैन का डिले है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि इधर है आपके पास, तो ये आपके पास डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इधर हमने कोई कैशिंग सर्वर इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम लोग, एक तरीका ये है कि आप इस 1.54 Mbps के जो लिंक है इसको इंक्रीज कर लें। एक तरीका हम लोग ये करते हैं कि जो डाटा रेट है यहाँ पे वो हम लोग अगर इंक्रीज कर लें, वो 1.54 के बजाय 154 Mbps अगर कर लें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारी जो एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन है वो 10% 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 99% के बजाय 9.9% पे आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इशू ये है कि आप एक्सेस लिंक का डेटा रेट इंक्रीज करेंगे वो तो इतना महंगा होता है, आपके पास कोई भी कनेक्शन अगर आपने लेना है तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो यूजली 8 Mbps का कनेक्शन आपने लेना है तो आपको अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो 154 Mbps का आप लिंक ले लेंगे, नो डाउट अच्छा सोल्यूशन है, मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। इसके बजाय क्या किया जा सकता है कि हम लोग लोकल कैशे इंस्टॉल कर लें। लोकल कैशे अगर आप इंस्टॉल करते हैं, पहले हमारे पास सर्वर नहीं, अगर ये सर्वर था तो हमने यहाँ पे लोकल कैशे इंस्टॉल नहीं की थी। अगर लोकल कैशे इंस्टॉल कर लें तो उस केस में हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट बेहतर होगी, और आपके पास जो लिंक यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये कैसे, अगर हम लोग ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास चीपर सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू आप एक्सेस लिंक को इंक्रीज करें उसका डेटा रेट को। इसके लिए हम लोग अज्यूम ही करेंगे यहाँ पे कैशे हिट रेशियो, हम लोग अज्यूम करते हैं अगर 640% कैशे हिट है, मतलब 60% वो होंगी जो कि ओरिजिन सर्वे पर जाएंगी। तो 60% जो होगा वो ही आपके पास एक्सेस लिंक को यूटिलाइज होगा। तो 60% का मतलब ये है कि 1.54 मतलब 60%, तो 0.9 Mbps यूटिलाइज होगा जो एक्सेस लिंक है, और 0.9 डिवाइड बाई 1.54 तो यूजली आपके पास 0.58 मतलब 58% तक यूटिलाइजेशन होगी, और जो टोटल डिले होगा वो भी आपके पास अब कम हो जाएगा। तो ये जो है टोटल डिले और सारा कुछ जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक लोकल कैशे लगाने की वजह से आपके पास जो एक्सेस लिंक अगर आप इंक्रीज करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आपके पास बेटर परफॉर्मेंस देता है लोकल कैशे। तो इससे हमें ये बात पता चली कि लोकल कैशे नो डाउट
चीपर सोल्यूशन है और एफिशिएंट सोल्यूशन भी है एज कम्पेयर टू अगर आप एक्सेस लिंक को इंक्रीज करें, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं जो HTTP था उधर कुछ मेथड से, जैसे गेट पोस्ट और हेड वाला मेथड, तो उसमें हमारे पास एक और मेथड होता है। अच्छा कोई सवाल है पिछले वाले एग्जांपल से तो पूछ सकते हो अभी। नो सर। ओके अच्छा हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं HTTP के अंदर जो हमने देखे थे गेट पोस्ट और हेड वाला, तो इसमें एक और मेथड होता है जो क्या कहलाता है कंडीशनल गेट का। कंडीशनल गेट का मतलब ये होता है कि अगर तो आपने जो एक अच्छा कंडीशन गेट का मेथड का गोल ये है कि वो ऑब्जेक्ट सेंड नहीं किया जाएगा कि जिसकी कैशे अपडेट नहीं थी। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन है वो भी कम हो जाएगी इस तरह के केस के अंदर, और जो लिंक यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, कैशे जो होगा वो डेट स्पेसिफाई करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ था। अगर तो वो मॉडिफाई हुआ है तो फिर वो सेंड नहीं किया जाएगा, अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ ऑब्जेक्ट तो फिर वो सेंड कर दिया जाएगा। तो इसके मेथड के अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये लिखा जाता है इफ मॉडिफाइड सिंस, कि कब से वो मॉडिफाई हुआ है, वो डेट आप स्पेसिफाई करते हैं। अगर वो मॉडिफाई उस डेट तक नहीं हुआ होता तो उसको वो हम लोग गेट कर लेते हैं, अगर वो मॉडिफाई हो चुका होता ऑब्जेक्ट तो फिर उसको गेट नहीं किया जाता, या उसको लिए कहा जाता है कि वो मॉडिफाई हो चुका है तो इस वजह से वो फिर गेट नहीं किया जाएगा। अच्छा कुछ इस तरह जाता है आपके पास कंडीशनल गेट कि HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज गया, इसमें आप डेट स्पेसिफाई करते हैं कि इस डेट से पहले ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हुआ था कि नहीं। तो अगर वो मॉडिफाई नहीं हुआ था उस डेट से पहले तो आपके पास वो रिस्पॉन्स भेज देता है, तो वो फिर रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है क्लाइंट को। और अगर वो मॉडिफाई हो चुका होता है उस डेट के बाद तो फिर उसको डेटा भेज दिया जाता है, अगर वो मॉडिफाई नहीं किया जाता तो फिर वो उसको नहीं भेजा जाता। तो सिंपली सा ये एक मेथड होता है जो कि रिड्यूस कर देता है आपके पास कैशे के अंदर मजीद हिट के चांसेस को। तो ये था हमारे पास कुछ प्रीवियस लेक्चर के ऊपर। अच्छा